सो हेलो, सो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के पहले यूनिट की सबसे पहली पोएम देखने वाले हैं। दैट इज वॉक अ लिटिल स्लोअर। इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमें इस पोएम की जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज दी गई हैं वो एक्टिविटीज हमने सॉल्व कर ली। नाउ आज हम इस वीडियो में इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉक अ लिटिल स्लोअर। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। इस पोएम में एक छोटा चाइल्ड है यानी एक छोटा बच्चा है जो अपने डैडी यानी अपने फादर से कहता है कि थोड़ा सा धीरे चलिए। आई एम फॉलोइंग इन योर फूट स्टेप एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल। चाइल्ड फ्रेंड्स फिर आगे कहता है कि अपने डैडी से वो कहता है कि वो उनके फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है यानी वो उनके कदमों को फॉलो कर रहा है और वो चलते समय गिरना नहीं चाहता। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे फुटस्टेप का मीनिंग है कि उसके फादर जो जो वर्क करते हैं, ओके, वो जिस तरह से बात करते हैं, उनके जेस्चर्स जैसे होते हैं, ये सारी जो उनके मैनर्स हैं वो छोटा बच्चा उनसे सीखना चाहता है और उनकी तरह बनना चाहता है। और एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, और वो आगे जाके कभी गिरना नहीं चाहता यानी वो लाइफ में कभी फेल नहीं होना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू बी अ फेलियर इन हिज लाइफ, यही इस लाइन का मीनिंग है। इसलिए वो अपने पापा से कहता है कि आप थोड़ा सा स्लोली चलिए ताकि मैं आपको देख के आपसे सीख पाऊं और अपनी लाइफ में कभी फेल ना हो। Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. Now, इस पैराग्राफ में वो चाइल्ड अपने डैडी से कहता है कि कभी कभी आपके स्टेप बहुत ही फास्ट होते हैं यानी कभी कभी आप बहुत ही तेजी से वॉक करते हैं, इसलिए कभी कभी मुझे आपके स्टेप दिखना हार्ड हो जाता है। इसलिए डैडी जरा धीरे चलिए क्योंकि आप मुझे आगे लीड कर रहे हैं। अभी यहाँ मीनिंग है कि कभी कभी डैडी, ओके, उस चाइल्ड के जो फादर है वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो चाइल्ड इजीली नहीं समझ पाता। इसलिए यहाँ स्टेप्स का मतलब है कि डैडी जो डिसीजंस ले रहे हैं इसलिए उन डिसीजंस को चाइल्ड समझ नहीं पाता और इसलिए वो कहता है कि डैडी थोड़ा धीरे चलिए यानी मुझे अपने साथ लेके चलिए क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हो यानी आप मुझे मेरे लाइफ में गाइड कर रहे हो। मेरी लाइफ में मुझे किस पाथ पे चलना है या आप मुझे सिखा रहे हो, इसलिए थोड़ा धीरे चलिए और सारे डिसीजंस मुझे समझ में आए इस तरीके से लीजिए। समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप यू आर व्हाट आई वांट टू बी। Then I have a little child who will want to follow me. यहाँ इन पहले दो लाइन में कहता है, पहले दो लाइन में वो चाइल्ड अपने फादर से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊं और बड़ा होने पर मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही बनना है। और वो आगे ये कहता है कि फ्यूचर में उसका जब कोई एक चाइल्ड होगा तो वो चाइल्ड भी उसे फॉलो करना चाहेगा यानी जिस तरह आज वो अपने फादर को फॉलो कर रहा है उसी तरह वो जब वो छोटा चाइल्ड फ्यूचर में जाके बड़ा हो जाएगा तो उसके यहाँ भी एक कोई चाइल्ड होगा तो वो चाइल्ड उसे फॉलो करेगा जिस तरह उसने अपने फादर को फॉलो किया, यही इस पैराग्राफ में दिया गया है। एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट एंड नो दैट आई वॉज ट्रू सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। इस पैराग्राफ में वो चाइल्ड अपने फादर यानी अपने डैडी से कहता है कि जिस तरह आज आप मुझे लीड कर रहे हैं यानी जिस तरह आज आप मुझे मेरे लाइफ की पाथ दिखा रहे हैं उसी तरह मैं अपने फ्यूचर के में मेरा जो फ्यूचर में मेरा जो चाइल्ड होगा उसकी लाइफ की पाथ डिसाइड करूँगा और वो उसे मैं अच्छी तरीके से लीड करूँ और प्रॉपरली लीड करूँ। इसलिए आज ये जरूरी है कि मैं आपको अच्छी तरीके से फॉलो करूं और इसलिए आप थोड़ा सा धीरे चलिए
ताकि मैं आपके सारे डिसीजंस ओके आप जिस आपके सारे प्रिंसिपल्स और आपके सारे मैनर्स को अच्छे से सीख पाऊँ, जिसकी वजह से फ्यूचर में मेरा जो चाइल्ड होगा उसे भी मैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से और सही तरीके से सिखा पाऊँ। यही इस पैराग्राफ में दिया गया है। इस पोएम का ऑथर फ्रेंड्स, इसका नाम हमें नहीं पता। तो इस पोएम में बेसिकली एक छोटा चाइल्ड था जो अपने फादर से कह रहा था कि फादर थोड़ा सा धीरे चलिए, ताकि वो अपने फादर को फॉलो कर पाए। और यहाँ चलने का मतलब है कि डैड उसके फादर जो जो काम कर रहे हैं, वो जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनके अंदर जो मैनर्स हैं, वो सारी बातें वो छोटा चाइल्ड सीखना चाहता है। और कभी कभी उसने बताया है कि कभी कभी उसके डैडी कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो समझ नहीं पाता, इसलिए उसने अपने फादर से कहा है कि आप थोड़ा धीरे चलिए, यानी अपने डिसीजंस को इस तरीके से लीजिए कि वो मुझे भी समझ में आए, बिकॉज आप मुझे लीड कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे मेरे लाइफ का पाथ बता रहे हैं कि मुझे लाइफ में किस तरह चलना चाहिए और क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए। फिर उसने आगे कहा कि जब वो फ्यूचर में बड़ा होगा तो उसे उसके पापा की तरह ही बनना, और फ्यूचर में उसका भी एक छोटा चाइल्ड होगा जो उसे फॉलो करे। और यही फ्रेंड्स हमेशा होता कि जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। तो यहाँ भी ये छोटा चाइल्ड अपने पापा को फॉलो कर रहा है, तो छोटा चाइल्ड जब बड़ा होगा उसका भी एक चाइल्ड होगा जो उसे फॉलो करे। एंड उसके बाद एंड में वो ये कहता है कि मुझे अपने फ्यूचर में जो मेरा चाइल्ड होगा उसे मुझे एकदम अच्छी तरीके से लीड करना है, यानी उसका जो मार्गदर्शन है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। इसलिए डैडी आप थोड़ा सा स्लोली चलिए, ताकि मैं आपको फॉलो कर पाऊँ और आपके सारे डिसीजंस को इजीली समझ पाऊँ, जिसके वजह से फ्यूचर में मेरा जो चाइल्ड होगा उसे मैं अच्छी तरीके से लीड यानी अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँगा। तो इसी तरह हमने ये पोयम यहाँ पे ख़त्म कर ली है। नाउ इसी पोएम से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई, तो चलो वो एक्टिविटीज अभी सॉल्व करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप, यानी हमने अभी जो पोएम सीखी है वॉक अ लिटिल स्लोअर, उस पर कुछ एक्टिविटीज दी गई, वो एक्टिविटीज देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है रीड द पोएम अलाउड, यानी पोएम को जोर जोर से रीड कीजिए। तो ये एक्टिविटी फ्रेंड्स आप डेफिनेटली परफॉर्म कीजिए, बिकॉज इससे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, यानी आपको इंग्लिश बोलने में ईजीनेस आएगी। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है हमारी पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। ये एक्टिविटी फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स जैसी, बट इसमें ब्रैकेट में हमें दो ऑप्शन दिए गए, ओके, और दोनों ऑप्शन को हमें प्रॉपर ब्लैंक में फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। इस पोएम में कौन किससे बात कर रहा है फ्रेंड्स? ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है फादर और चाइल्ड। हमें पता है कि इस पोएम में चाइल्ड टॉक कर रहा है उसके फादर। सो हियर वी विल राइट द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। पोएम में एक छोटा बच्चा अपने फादर से बात कर रहा है, तो ये हमारा पहला आंसर। चलो दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। द डैश इज लीडिंग एंड द डैश इज फॉलोइंग। पोएम में फ्रेंड्स कौन किसे लीड, यानी कौन किसे गाइड कर रहा है और कौन किसे फॉलो कर रहा है? तो फ्रेंड्स लीड कौन कर रहा है, या इस पोएम में गाइड कौन कर रहा है? फादर। यस, फादर ही उसके चाइल्ड को लाइफ में किस पाथ पे चलना चाहिए वो बता रहा है, यानी कि वैसे गाइड कर रहा है। और फादर को फॉलो कौन कर रहा है? चाइल्ड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द चाइल्ड। सो द फादर इज लीडिंग, यानी फादर अपने चाइल्ड को सही राह दिखा रहा है। एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग, और वो चाइल्ड अपने फादर को फॉलो कर रहा है, यानी उसके फादर जो उसे जो सारी चीजें बता रहे हैं वो चीजें वो सब कुछ सीखता जा रहा है।
someday dash will become a dash. Friends, कौन किस दिन किस तरह फ्रेंड्स सम डेज डैश विल बिकम अ डैश यानी कौन किसी दिन क्या बनना चाहता है. हमने पोएम ऊपर पढ़ा है कि एक दिन वो चाइल्ड अपने फादर की तरह बनना चाहता है. तो यहां हम लिख सकते हैं कि सम डे द चाइल्ड ओके और उसे किसकी तरह बनना है फ्रेंड्स अपने फादर की तरह विल बिकम अ फादर. क्योंकि ऊपर हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था कि एक दिन वो चाइल्ड बड़ा होके एक फादर बनेगा और उसका जो चाइल्ड होगा वो उसे फॉलो करेगा. तो इसी तरह हमने थर्ड स्टेटमेंट देखी. अभी आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पर. द डैश डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग द डैश. फ्रेंड्स किसकी ये इच्छा है कि वो गिरना नहीं चाहता जब वो किसी को फॉलो करना. यहाँ फ्रेंड्स चाइल्ड नहीं गिरना चाहता जब वो अपने फादर को फॉलो कर रहा है. ये हमने पोयम के पहले पैराग्राफ में देखा था. द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग द इट्स फादर. चाइल्ड किसे फॉलो कर रहा है अपने फादर. तो चाइल्ड फादर को फॉलो करते वक्त गिरना नहीं चाहता. द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल व्हाइल फॉलोइंग इट्स फादर. तो इसी तरह हमने अपने चारों सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए. अगर आप देखें तो हमें यहाँ साइड में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. चलो उन क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स वॉक अ लिटिल स्लोअर इस पोएम पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो चलो उन क्वेश्चंस के अभी आंसर्स देखते हैं. व्हाट वुड हैपन If the child try to walk fast and why? क्या होगा जब child वो जो child है वो तेजी से चलने के लिए try करेगा और ऐसा क्यों होगा. तो चलो friends इस question का answer देखते हैं कि if the child try to walk fast, he or she will not be able to properly understand the action and thoughts and etc. of his or her father. Friends, अगर वो child ज़्यादा तेजी से चलने की कोशिश करता है, he अगर boy हुआ तो और she अगर girl हुई तो he या she वो अपने fathers के actions और उनके thoughts को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा and will fail to achieve success in his life. और इसी के वजह से वो अपने लाइफ में सक्सेस यानी कामयाबी नहीं पा पाएगा. तो इसलिए चाइल्ड को स्लोली चलना चाहिए ताकि वो अपने फादर्स के सारे थॉट्स और एक्शंस को समझ पाए. यहाँ एक्शंस का मीनिंग है कि फादर जो जो काम करते हैं उन्हें. तो इसी तरह हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार लिख लीजिए. ओके, नाउ चलो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग. व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से. इस पोएम में जो वर्ड हमने वॉक यूज किया है क्या वो चलने की एक्शन को रेफर करता है यानी क्या वो चलने की एक्शन बताता है या पोएट इस पोएम में एक्चुअली कहना क्या चाहता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स हियर नो. द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हियर ओनली द एक्ट ऑफ वॉकिंग. यहाँ फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड पोएट ने जो वर्ड वॉक यूज किया है वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग को रेफर नहीं करता. हम लिखेंगे नो द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हियर ओनली द एक्ट ऑफ वॉकिंग. तो पोएट फ्रेंड एक्चुअली क्या कहना चाहता है वो चेक करते हैं. द पोएट एक्चुअली वॉन्ट्स टू से दैट. फ्रेंड्स पोएट को एक्चुअली ये कहना है कि द फादर शुड कम्युनिकेट हिज थॉट्स एंड फीलिंग टू द चाइल्ड एंड हेल्प हिम और हर टू लर्न और बिकम फैमिलियर विद द वे ऑफ द लाइफ.
यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि फादर को अपने चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट, यानी अपने चाइल्ड के साथ बातचीत करनी चाहिए, और फादर के जो थॉट्स हैं और उनकी जो फीलिंग है वो उन्हें अपने चाइल्ड के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे जिससे उस चाइल्ड को हेल्प होगी, ओके, और वो ये सीखेगा कि किस तरह अपने लाइफ के वे को चूज करना है। By showing him or her or explaining the child how to behave and act for living a good life. और फ्रेंड्स, जिस तरह का पाथ, जिस तरह का वे उसके फादर फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह का वे वो चाइल्ड भी फॉलो करना चाहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, वो फादर अपने चाइल्ड को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह बिहेव करना है या किस तरह रहना है ताकि वो एक गुड लाइफ जी सके, यानी लिव कर सके एक गुड लाइफ। तो इस तरह आप ये आंसर हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। यहाँ वर्ड वॉकिंग, वर्ड वॉक सिर्फ वॉकिंग को रेफर नहीं करता। पोएट एक्चुअली ये कहना चाहता है कि फादर को अपने चाइल्ड के साथ बातचीत करनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेट करना चाहिए, और चाइल्ड के साथ अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहिए, जिससे चाइल्ड को मदद मिलेगी ताकि वो ये सीख पाए या उसके फादर के लाइफ को जीने का जैसा वे है वो सीख पाए। और ये करने के लिए फादर को अपने चाइल्ड को ये एक्सप्लेन करना चाहिए या ये सिखाना चाहिए कि किस तरह बिहेव किया जाता है और किस तरह एक्ट किया जाता है ताकि वो एक गुड लाइफ जी सके, यानी एक गुड लाइफ लीव कर सके। तो इसी तरह हमने फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। अभी आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू द फुटस्टेप्स ऑफ द फादर रेफर टू? पोएम में फादर के जो फुटस्टेप हैं वो हमें क्या बताते हैं, तो चलो वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फुटस्टेप ऑफ द फादर रेफर्स हियर to the father's mannerism, distinctive and individual gesture, traits of speaking and behaving, his action and his all other characteristics that makes a person successful in his life. यहाँ fathers के जो footsteps हैं वो fathers के mannerism यानी fathers के manners के बारे में बताते हैं, उनकी अलग सी जो उनका अलग सा एक gesture है, यानी वो जिस तरीके से खड़े होते हैं, जिस तरीके से बातचीत करते हैं, वो उनका जेस्चर हो गया। देन उनके बातचीत और बिहेव करने के जो ट्राइट्स, यानी वो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, वो जो सारे ट्राइट्स यानी वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं, हिज एक्शन, उनके एक्शन यानी डेली लाइफ में वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और उनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी बाकी सारी खासियतें जो एक पर्सन को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करती हैं, इन सारी चीजों का मतलब है फुटस्टेप, कि फादर के मैनर्स, फादर का जेस्चर यानी वो किस तरह से खड़े रहते हैं, ओके, उनके बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, और उनकी बाकी सारी स्पेशलिटीज या विशेषताएं, जिन विशेषताओं को यूज करके कोई एक पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है, इन्हीं सारी चीजों का मतलब है फुटस्टेप, ओके? एक बार वापस से क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। द फुटस्टेप ऑफ द फादर रेफर्स हियर टू द फादर्स मैनरिज्म, डिस्टिंक्टिव एंड इंडिविजुअल जेस्चर, ट्राइट्स ऑफ स्पीकिंग एंड बिहेविंग, हिज एक्शंस एंड हिज ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल इन लाइफ। ऐसा आंसर आप इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। तो चलो अपना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट? फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या आपसे जो बड़े लोग हैं उनके कौन सी क्वालिटीज आप अपने अंदर लेना चाहोगे, तो चलो वो क्वालिटीज लिखते हैं। आप ये आंसर अपने मन से लिख सकते हो या हम यहाँ कुछ क्वालिटीज डिस्कस करेंगे, उन क्वालिटीज से कुछ क्वालिटीज ले सकते हैं। देयर एबिलिटी, नोबल थॉट्स एंड एक्शन,
kindness and love for others, discipline, hard work, honesty, perseverance, and to remain happy, and to remain happy in a good or a bad condition. यहाँ फ्रेंड्स हमें कुछ उनकी क्वालिटीज बताई गई कि उनकी एबिलिटीज यानी वो क्या क्या काम कर सकते हैं वो एबिलिटीज उनके अच्छे थॉट्स और उनके अच्छे एक्शन देन दूसरों से जो अच्छी तरीके से रहते हैं और दूसरों के लिए उनके मन में जो प्यार है वो क्वालिटीज आप उनसे लेना चाहोगे वो जिस तरह डिसिप्लिन में रहते हैं वो एक क्वालिटी है वो जिस तरह हार्डवर्क करते हैं ओके वो आप उनसे सीखना चाहोगे उनकी ऑनेस्टी यानी उनकी ईमानदारी ये एक क्वालिटी है जो आप आपके एल्डर से लेना चाहोगे देन परसीवरेंस यानी दृढ़ता यानी किसी काम को तब तक करते रहने की एबिलिटी जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते ये क्वालिटी आप अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर यानी आपसे जो बड़े हैं उनसे ले सकते हो एंड टू रिमेन हैप्पी इन गुड और बैड कंडीशन और परिस्थिति कैसी भी हो यानी अच्छी हो या बुरी हो दोनों ही चीजों में आपको हैप्पी रहना चाहिए ये सारी क्वालिटीज आप आपके पेरेंट्स या आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे ले सकते हैं ओके तो ये रहा हमारे फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तो इसी तरह हमसे जो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चारों के आंसर हमने यहाँ पे दे दिए हैं तो चलो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि वॉक अ लिटिल स्लोअर इस पोएम पे आगे हमें और एक्टिविटीज दी गई तो वो एक्टिविटीज हम लिखते हैं